दोस्तों आईपीएल में और एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला हमें, पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच। जी हां दोस्तों, गुवाहाटी में खेले जाने वाला ये मैच था पंजाब और राजस्थान के बीच, आठवां मैच आईपीएल 2023 की। और इस मैच में बहुत ही रोमांचक मैच हुआ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस मैच का हाईलाइट। दोस्तों पंजाब और राजस्थान दोनों ही अपना पहला मैच जीत चुके थे और ये था इन दोनों के लिए ही दूसरा मैच। टॉस में राजस्थान रॉयल्स टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों पंजाब किंग्स को भेजा बैटिंग करने और पंजाब किंग्स की ओर से पहले शुरुआती बल्लेबाज थे प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन। और दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज आज बहुत ही अच्छा रन किया और पंजाब को बहुत ही अच्छा स्कोर दिलाने में मदद किया। दोस्त पंजाब किंग्स की ओर से बॉलिंग का शुरुआत किया ट्रेंट बोल्ट ने और ट्रेंट बोल्ट का बॉलिंग का शुरुआत बहुत अच्छा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह और शिखर धवन इन दोनों ने मिलकर ट्रेंट बोल्ट, आसिफ, रविचंद्रन अश्विन से लेकर जेसन होल्डर सभी का लगभग मजाक उड़ा ही दिया था। जी हाँ दोस्तों, बैक टू बैक चौका और बैक टू बैक छक्के की मदद से प्रभसिमरन सिंह अपना खाता खोलता गया और अपना 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट बरकरार रखता गया। और वहां पर शिखर धवन अपनी ओर से स्टे कर रहे थे और प्रभसिमरन को खेलने दे रहे थे ताकि प्रभसिमरन अच्छा मार सके और अच्छा रन हो पंजाब किंग्स के लिए। और शिखर धवन तो है कप्तान। दोस्तों जहां पर प्रभसिमरन सिंह पहले 4 ओवर में ही पंजाब का स्कोर खड़ा कर दिया था लगभग 60 रन। दोस्तों प्रभसिमरन अपना 50 रन भी पूरा किया और 34 गेंदों में जब 60 रन का मुकाम पे था तभी 10वें ओवर पे जेसन होल्डर के बॉल पे आउट हो जाते हैं प्रभसिमरन। 90 पे एक था तब पंजाब किंग्स का स्कोर। वापस शिखर धवन के साथ भानुका राजापक्षा आया खेलने के लिए, लेकिन भानुका राजापक्षा ज्यादा देर तक नहीं खेल पाया क्योंकि वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। एक बॉल में एक रन बनाकर उन्हें लौटना पड़ा पेवलियन पे। शिखर धवन के साथ जितेश शर्मा जो कि पंजाब किंग्स का विकेट कीपर, वो आए बैटिंग करने। शिखर धवन इसके बाद धीरे धीरे अपना जलवा दिखाने लगा और वहां पर जितेश शर्मा भी चौका और छक्का मारता गया। जहां पर यजुवेंद्र चहल को जितेश शर्मा आरे हाथ लिया, चौका और छक्के का बौछार कर दिया, लेकिन चहल ने ही 16 गेंदों पे सिर्फ 27 रन बनाने दिया जितेश शर्मा को और उसके बाद आउट कर दिया। रैन पराग ने लिया उनका कैच और शिखर धवन अभी अकेले पिच पे खड़े हैं और शिखर धवन इन बीच अपना अर्धशतक यानी 50 रन भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आज सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे ऑलराउंडर है वो आज खास कुछ कर नहीं पाया। रविचंद्रन अश्विन सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाने दिया सिकंदर रजा को। और इसके बाद आए शाहरुख खान। शाहरुख खान आने के बाद छक्का मारा, लेकिन एक छक्का मारने के बाद ज्यादा देर तक वो नहीं चला। शाहरुख खान भी आउट हो गया 10 गेंदों में 11 रन बनाकर। शिखर धवन अभी वहां पर खड़े थे, सैम करन आया और शिखर धवन लग रहा था कि सेंचुरी मार ही देगा, लेकिन आखिरी जो ओवर डाला सेशन होल्डर ने बहुत ही अच्छा ओवर डाला, सिर्फ 7 रन लेने दिया और 56 गेंदों में 86 रन बनाने दिया शिखर धवन को और सैम करन नाबाद रहे। और बॉलर की माने तो यहाँ पर जेसन होल्डर 2 विकेट, रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल एक एक विकेट चटकाए में समर्थ रहे थे। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की ओर से यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन, जी हाँ दोस्तों जॉस बटलर की जगह पर रविचंद्रन अश्विन आए थे बैटिंग करने, क्योंकि जॉस बटलर को थोड़ा चोट आया था फील्डिंग करने के समय और इसके लिए रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया और सैम करन शुरू किया बॉलिंग। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल पहले ओवर के पहले बॉल पे ही मारा छक्का और इसके साथ लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खेलने वाला है, लेकिन वो अगले ही ओवर पे यानी दूसरे ओवर पे आउट हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह उनको आउट करवाते हैं, सिर्फ 8 गेंदों में 11 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं जॉस बटलर। जॉस बटलर आने के बाद बहुत अच्छा खेल रहे थे, चौका और छक्के के साथ बहुत अच्छा रन बनाने वाले थे, लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में रविचंद्रन अश्विन वो सिर्फ 4 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथा ओवर तो खेला लेकिन एक भी रन बना नहीं पाए। जॉस बटलर को साझेदारी देने आया संजू सैमसन। संजू सैमसन और जॉस बटलर बहुत अच्छी तरह से खेल रहे थे, लेकिन वो भी यानी जॉस बटलर भी ज्यादा देर तक नहीं टिका, एलिस ने उनका विकेट ले लिया। 11 गेंदों में 19 रन बनाकर जॉस बटलर आउट हुए और संजू सैमसन वहां पर मारने के मूड में था, चौका और छक्के का बौछार कर दिया और उनके साथ आया खेलने देवदत्त पड़िक्कल। आज देवदत्त पड़िक्कल को थोड़ा डाउन लगा, वो जैसे पिंच हिटर बैट्समैन है वैसा पिंच हिटिंग उसके ओर से देखा नहीं गया। देवदत्त पड़िक्कल आज वनडे या टेस्ट की तरह खेल रहे थे और ऐसे ही करके 11वें ओवर पर संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। तब टीम का स्कोर था 91 पे 4।
संजू सैमसन 25 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट होते हैं और दिव्य पटिकर के साथ जयंत पराग आते हैं उनका साथ निभाने। लेकिन दोस्तों जयंत पराग पहले आके ही चौका और छक्का का बौछार शुरू कर दिया, एलिस ने उनको आउट कर दिया। इसके बाद 15वें ओवर पर यंग पराग आउट हो जाते हैं, 121 पे 5 विकेट हो जाता है स्कोर। दोस्तों इसके बाद आते हैं शिमरन हेटमायर और शिमरन हेटमायर और दिव्य पटिकल खेलने ही वाला था ठीक तरह से, लेकिन एलिस ने दिव्य पटिकल को भी आउट कर दिया। 26 गेंदों में सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और शिमरन हेटमायर ध्रुव जुरेल ये दोनों खेलने लगे, लेकिन दोस्तों इसके बाद ये दोनों ज्यादा देर तक मैच को टिका नहीं पाया। हालांकि शिमरन हेटमायर बहुत ट्राई किया और ध्रुव जुरेल भी बहुत ट्राई किया और दोस्तों आपको पता है अंत में जाकर क्या हुआ। लेकिन दोस्तों ये मैच लास्ट में जाकर एकदम पासा ही पलटने वाला था। आप अगर मैच का हाईलाइट का लुत्फ उठाने बहुत मजा आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।